हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 390 के कंप्लीट फाइनेंस के बारे में। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि फाइनेंस वीडियो लेकर वीडियो बनाओ। आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, फाइनेंस कराने के लिए आप कितना DP दे सकते हो और आपको क्या क्या मंथली EMI बनेगी। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ड्यूक 390 के कंप्लीट डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। देखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको आधार कार्ड की देने की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद आपको 6 महीने की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए, फोटोकॉपी पासबुक की वही वाली लगेगी, आपको सैलरी शो करनी पड़ेगी। और इनकेस मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं करते तो अगर आप ITR फाइल करते होंगे, बिजनेस करते हैं तो आप अपना ITR जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके रेंट एग्रीमेंट की। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, और अगर आपका खुद का घर है तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी दे सकते हैं। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो फोटोकॉपी है वो आपके मम्मी पापा किसी के भी नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज़ की जा सकती है। ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स। बात कर लेते हैं 390 के प्राइस के बारे में। दोस्तों, KTM के जो ड्यूक 390 है वो आप लोगों को एक्सरूम प्राइस अराउंड 2,97,000 2,97,000 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ड्यूक 390 हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 3,52,000 3,52,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो DP लिया हुआ है वो लिया हुआ है 1,12,000 रुपये। जी हाँ, 1,12,000 रुपये आपका DP अमाउंट है जो कि आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है, 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये ध्यान रखिए आपका बचा हुआ अमाउंट है। अब इसमें प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। आपको मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे तो हमें प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस में इनके बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, तो 2,40,000 रुपये कम से कम 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,50,000 रुपये। अब मान लीजिए दोस्तों, आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो हमें भाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, यानी कि ब्याज। देखिए, कोई भी कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है यार, आपको उसमें एक्स्ट्रा आपसे लेगी, वरना बिना एक्स्ट्रा के तो आपसे कमाएगी नहीं, तो भाई एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम देना पड़ता है ब्याज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, मतलब कितना परसेंट चार्ज लगेगा, वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और आपके सैलरी स्लिप पे। आज की इस वीडियो में मैंने 10% लिया हुआ है। 10% के हिसाब से आपके एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 25,000 रुपये। ध्यान रखिए, जो 25,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाह रहे हैं तो 2,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 25,000 रुपये प्लस कर दीजिए तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,75,000 रुपये। 2,75,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI कितनी आएगी, 22,916 रुपये के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 25,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 25,000 × 2 कर दीजिए तो 50,000 रुपीज़ जो है आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। 2,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 50,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 3,00,000 रुपये। अब 3,00,000 रुपीज़ को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 12,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 25,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 25,000 × 3 कर दीजिए तो 75,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। 2,50,000 में इसे प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,25,000 रुपये। अब 3,25,000 जो 3,25,000 है आप उसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 9,027 रुपये के आसपास की जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों का। श्वेता दोस्तों, ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 390 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी आकर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।